इस वीडियो में हम निम्बस में नए आइटम की क्रिएशन के लिए आइटम डेटा को इंपोर्ट करने का तरीका देखेंगे। डेटा इंपोर्ट करने के लिए आइटम्स के मेन्यू में इंपोर्ट आइटम्स डेटा को हम क्लिक करें। इंपोर्ट आइटम्स डेटा की स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। उसमें इंपोर्ट के बटन को क्लिक करने से पहला स्टेप स्टार्ट होगा। इसमें सबसे पहले हमें डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है। जितने सिस्टम में डिपार्टमेंट्स डिफाइन है वो हमारे सामने ड्रॉपडाउन में आ रहे हैं। हम उनमें से किसी एक डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो भी नया आइटम क्रिएट होता है वो किसी डिपार्टमेंट के अंडर क्रिएट होता है। मूव नेक्स्ट पर अब सिस्टम हमसे पूछ रहा है कि वो फाइल बताएं। आइटम्स का डेटा एक CSV फाइल कॉमा डिलिमिटेड फाइल में होना चाहिए, तो हम चूज़ फाइल करते हैं। तो हमारे फाइल सिस्टम से हमने फाइल चूज़ कर ली। तो उस फाइल में जो जो कॉलम बने हुए हैं वो हमारे पास टॉप पे 1, 2, 3, 4 इस तरह आ रहे होंगे। तो हम पहले पहला कॉलम आइटम कोड का था जो हमने फाइल देखी थी, इसमें से अब हम सिलेक्ट करेंगे कि वो निम्बस के कौन से फील्ड के मुताबिक है। तो ये आइटम कोड हमने सिलेक्ट कर लिया। दूसरा कॉलम का फाइल में नाम आइटम नेम था, तो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया कि वो निम्बस में वो भी आइटम नेम है। तीसरा कॉलम जो फाइल में था वो कॉस्ट था, उसमें हमने ये कॉस्ट प्राइस सिलेक्ट कर ली। और चौथा जो है वो रिटेल, इसका नाम रिटेल है, तो यहाँ पर वो रिटेल प्राइस हो गई। ये आपने इन कॉलम्स में देखा होगा कि निम्बस के ये तीन फील्ड मस्ट हैं, पे स्टार लगा हुआ है। तो कम से कम ये तीन हैं, उससे ज़्यादा जो मर्जी आप मैपिंग कर लें। ये करने के बाद हम स्टार्ट इंपोर्ट करेंगे। कंफर्मेशन के बाद सिस्टम हमें पूरे स्टेप्स वेरीफाई करेगा, और अगर कोई आइटम उस फाइल में से डिफाइन नहीं हो सकेगा तो उसके बारे में सिस्टम हमें मैसेज दे देगा कि वो एरर रिपोर्ट में हम इस पर क्लिक करके जा सकते हैं, या रिपोर्ट्स के अंदर P01 रिपोर्ट पे भी देख सकते हैं, और उसकी रीज़न भी हमारे सामने होगी। बाकी के तमाम आइटम सिस्टम में डिफाइन हो जाएंगे। जिस तरह ये एक आइटम लोड नहीं हो सका, और रीज़न क्या है कि ये पहले से मौजूद था। आइटम लोडिंग जो है फाइल के थ्रू वो इस मेन्यू से भी हो सकती है, और जब हम न्यू करते हैं तो यहाँ पर भी एक इम्पोर्ट का बटन बना है। ये भी वही काम करता है जो हमने अभी प्रोसेस देखा।